नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज पूरे देश में लोकसभा 2019 चुनावों के पहले चरण का मतदान हो रहा है। 20 राज्यों की 91 सीटों पर आज मतदान हुए हैं और पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो भारी मतों से यहां पर मतदान हो रहा है। 11 बजे तक के आंकड़ों से अगर आपको रूबरू करा दें तो यहां पर सहारनपुर में 24%, मुजफ्फरनगर में 27%, बागपत में 26%, मेरठ में 25.4% और गौतम बुद्ध नगर में 24.23% मतदान जो हुए हैं वो अब दर्शाते हैं कि आज शाम को आंकड़े 80% पार हो सकते हैं। ऐसे में पहले ही दिन नितिन गडकरी जैसे बड़े मंत्रियों ने भी अपना वोट डाला। आज उनकी किस्मत का भी फैसला है। एक तरफ जहां सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच आज जो बड़ी खबर अब तक जो सामने आई है वो ये है कि मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। संजीव बालियान ने कहा कि औरतें बुरखे में वोट डाल रही हैं और मैं ये अपील करता हूं कि वो फेक वोटिंग हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया कि फेसेस ऑफ वुमेन इन बुरकास आर नॉट बीइंग चेक्ड एंड आई एलेज दैट फेक वोटिंग इज बीइंग डन। इफ नॉट लुक्ड इनटू आई विल डिमांड अ रिपोर्ट। रिपोल की डिमांड करेंगे, ये कहना है संजीव बालियान का। सुबह उन्होंने ये बात कही थी और ये कहा था कि बुरखे में औरतें वोट डाल रही हैं, लेकिन रिवर्ट बैक में उनको जमकर जवाब दागे गए। लगातार औरतों ने भी उनको रिवर्ट बैक किया, रिट्वीट किया और उनको करारा जवाब दिया। साफ तौर पर कहा कि वहां पर महिला पुलिस अधिकारी मौजूद है जो आइडेंटिटी कार्ड देखकर, शक्ल देखकर वोट डालने दे रही है। जाहिर तौर पर इतना दिमाग कोई भी लगा सकता है, चाहे औरत अगर बुरखे में जाए या साड़ी में जाए, उसके पास वो वोट देने का जो अधिकार है, जो वोटर आईडी वो देख रहे हैं उसी हिसाब से वोटिंग की जा रही है। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी संजीव बालियान को खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि बिना पहचान किसी को भी हम वोट डालने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संजीव बालियान ने जिस तरह से बयान दिया है, जिस तरह से अपनी बात को रखा है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर संजीव बालियान जो है वो लगातार इस तरह की जो ट्वीट कर रहे हैं, जो ये कहा गया है कि भैया बुरखे में जो औरतें हैं उनकी वजह से फेक वोटिंग हो रही है। क्या फेक वोटिंग हो रही है? क्या उन औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है? हमारा संविधान उन औरतों को, मुस्लिम औरतों को यहाँ पर वोट देने का अधिकार देता है और इसे संजीव बालियान या कोई भी बड़ा राजनेता जो है वो नहीं रोक सकता। वैसे भी मुजफ्फरनगर में 11 बजे तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि क्या गजब की वोटिंग आज हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ी जगह है मुजफ्फरनगर, 27% यहाँ पर मुजफ्फरनगर में वोटिंग हुई है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की खेमों में भी खलबली मची है और बाकी राजनीतिक दलों के अंदर भी खलबली मची है कि आखिरकार जनता किसे जिताएगी, आखिरकार जनता किसे सराखों पर बैठाएगी, जनता किसका राज तिलक करेगी। क्योंकि हर 5 साल में ये बात हर नेता को पता लग जाती है कि जनता से बड़ा जनार्दन कोई नहीं हो सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आज पहला जो मतदान है, पहले चरण का जो मतदान है, वो किस तरह से घूम रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में कांग्रेस का बटन जो है वो नहीं दब रहा है, ये कहने वाली बात है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है। ईवीएम घोटाले को लेकर भी कई तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं। चुनाव आयोग ने इस बात को आश्वस्त किया था कि ईवीएम मशीनों के साथ VVPAT मशीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद ही आपको आपका वोट देने का अधिकार होगा। लोगों ने वोट डाले हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। 2014 वाला लहर वाला माहौल नहीं है फिलहाल, तो ये 2019 है। यहाँ जनता जान चुकी है, जनता ने नोटबंदी भी झेला है, जनता ने GST भी झेला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है पूरे दिमाग के साथ सामने आई है और उन्हें भी पता है कि किसने इन 5 सालों में उनका भला सोचा है और किसने उनका बुरा सोचा है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।